एंगेलियन सेल्स। ओके, हमने देखा है रोड्स, कोन्स, सारे सेल्स हमने देखे। आज हम अलग से समझते हैं, छोटे से वीडियो में हम समझेंगे विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंगुलियन सेल्स। तो गैंगुलियन सेल्स में हमें समझना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गैंगुलियन सेल्स, डब्ल्यू एक्स एंड वाई। कॉमनेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि हम बार बार हमेशा क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हम बोलते रहते हैं। तो कभी कभी वाइवा में जब टीचर्स पूछते हैं कि विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंगुलियन सेल्स, तो स्टूडेंट तुरंत बोलता है एक्स वाई, फिर वो जेड बोलता नहीं है, वो अटक जाता है, उसको पता है जेड नहीं है लेकिन क्या होता है वो भूल जाता है। तो आपको ये एरर नहीं करनी है, क्या बोलना है, डब्ल्यू एक्स वाई, नॉट अ एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स एंड वाई, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गैंगुलियन सेल्स, तो ये आपको याद रखना चलता है। गैंगुलियन सेल्स मतलब ऐसी जगह है जहां पे एक्शन पोटेंशियल बनेगा, जहां से सेकंड क्रैनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व निकलेगी और ब्रेन तक पहुंचेगी। तो क्या अलग अलग वेराइटी है तीन गैंगुलियन सेल्स की, वो हम देखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई। तो पहले हम देखेंगे डब्ल्यू सेल्स। तो आपको याद रखना है W सेल्स होता है 40%। ओके, सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है, तो याद रखो X वाला, सबसे लीस्ट होता है Y वाला, और W होता है 40%। तो 40% होगा W, X होगा आपका 55 एंड Y होगा 5%। क्लियर? तो 5, 55, 45, अरे 5, 55, 40, 40 W, 55 हो गए आपके X और 5 हो गए Y। ओके, तो 55 इज वेरी हाई, किसको दिया है, एक्स वाले को 55%, मैक्सिमम 55 एक्स को दिखा है, दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, एक्स डे विजन का काम करता होगा कि नाइट विजन का? तो अगेन क्लियर, क्योंकि हमें डे में मैक्सिमम देखना है, हमें डे में फाइन डिटेल्स देखनी है, हमें डे में कलर समझना है, तो इसके लिए एक्स काम करेगा कलर विजन का, डे विजन का, और एक्स 55% हो गए। फिर हमें नाइट में क्या करना है, 40% काम, तो नाइट में डब्ल्यू हो गए कि जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन ले जाएंगे, तो नाइट विजन मतलब स्कोटोपिक विजन कैरी करेगा W, और वो 40% हो गए। लेकिन 5% Y बचे, उसका क्या काम है? तो Y का काम ये नहीं है कि डार्क विजन या नाइट विजन, लेकिन Y का काम है कोई भी सडन विजन चेंज होता है तो Y को बोलना है। ओके, मान लो अभी आप बैठे हो, आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, और सडनली कोई लाइट साइड में बड़ी लाइट होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो तुरंत आपका नजर वहां पे जाना चाहिए वो लाइट की तरफ। तो वो लाइट में सडन बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ या फ्लैश लाइट होती है, वहां पे आपकी नजर जाती है, क्योंकि वो वाई सेल्स आपको कमांड देते हैं। तो वाई सेल्स का काम है सडन चेंज कभी भी होता है उसको पिक करने के लिए। तो वाई सेल्स ओनली 5% इनफ है। ओके, तो वाई सेल्स का फंक्शन क्या लिखा है, रिस्पॉन्ड टू अ रैपिड चेंज इन अ विजुअल इमेज। तो आप जो भी देख रहे हो ऑलरेडी, उसमें रैपिड इमेज में चेंज होता है, लाइक आइदर रैपिड मूवमेंट और रैपिड चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, सडनली फ्लैश लाइट हो गई या रैपिड मूवमेंट हो गई। तो ये सब कुछ कौन पिक करके देगा आपको, वाई सेल्स। अगर वाई सेल्स रैपिड पिक करते हैं, तो नर्व फाइबर वाई सेल्स गैंग्यूलियन से ब्रेन तक जो ले जाएंगे, हमने देखा है सेकेंड क्रैनियल नर्व गैंग्यूलियन सेल से ब्रेन तक ले जा रही है, वो कैसे होनी चाहिए, तो वो भी रैपिड होनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज आपको रैपिड करके दे रहा है तो उसको रैपिड भेजना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक लेक्चर आज रैपिडली ले लिया है, आज मैंने 10 लेक्चर मान लो ले लिए, तो आपको भी घर जाके रैपिड पढ़ना पड़ेगा। मैंने 10 ले लिए और आप कुछ पढ़ते नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक चीज रैपिड हो रही है, जैसे रेस में एक चीज आपको पहले मिल रही है, तो एडवांटेज लेके दूसरे को भी वो इनिंग में कैरी करना है, आगे फास्ट पहुंचना है। तो एक चीज रैपिड हो जानी है, तो उसको कैरी करने वाले फाइबर्स भी रैपिड होने चाहिए, तो वो फास्टेस्ट वेलोसिटी के होते हैं, 50 मीटर पर सेकंड। और हमने देखा है अर्लिंगर एंड गेसर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, आपने देखा होगा बार बार आता है अर्लिंगर एंड गेसर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। इसमें होता है माइलिनेशन एंड डायमीटर, उसमें हम बोलते हैं जो भी नर्व फाइबर माइलिनेटेड होते हैं और जिसका डायमीटर लार्ज होता है वो फास्ट कैरी करता है। तो अगर 35 माइक्रोमीटर मतलब लार्ज डायमीटर है, तो वो फास्ट कैरी करेंगे 50 मीटर सेकंड की स्पीड पे। तो डायमीटर की तरह हम देखें तो 10 माइक्रोमीटर सबसे स्मॉल डायमीटर होगा नाइट विजन में, क्योंकि नाइट में जल्दी कुछ नहीं भेजना, स्लोली भी चलेगा, 10 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट। इसके बाद डायमीटर हो गया 15 डे विजन में कलर, लेकिन मैक्सिमम हो गया 35। तो डायमीटर W का 10, X का 15, Y का 35, क्योंकि Y को फास्टेस्ट भेजना है, W को भेजना है नाइट विजन, 10 का डायमीटर 40%, X को भेजना है डे विजन या कलर विजन, 15 का डायमीटर 55%, Y को भेजना है फास्ट, तो 50 मीटर की स्पीड आएगी। ओके, फास्टेस्ट स्पीड, और परसेंटेज ओनली 5 होगी। ओके, और स्पीड के बारे में बात करेंगे तो डायमीटर 10 है तो स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, एक्स के सेल्स में स्पीड 14 मीटर पर सेकंड, और वाई में स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। तो अगेन कंपेयर करें तो डब्ल्यू की स्पीड 8, एक्स की स्पीड 10,
वाई की स्पीड 50, तो 8 8 14 और 50, 8 14 14 मीटर पर सेकंड 50, देखो 8 फिर 14 और 50, तो 8 14 50 स्पीड है, ओके। डायमीटर है 10 15 35, तो 10 15 35 डायमीटर, स्पीड है 8 14 50 और इसका परसेंटेज नंबर है 40 55 5%। कंसेप्ट कैसे याद रखोगे, वाई सेल्स रैपिड चेंज में आएगा तो लार्ज ही रखना है 35, स्मॉल भी चल जाएगा क्योंकि रैपिड रेयर इंसिडेंट है तो 5% चल जाएंगे, स्पीड भी मैक्सिमम 50 मीटर, ब्रॉड फील्ड कवर करेगा। एक्स में क्लियरली आपको याद रखना है फाइन डिटेल्स ऑफ विजन, तो फाइन डिटेल्स ऑफ विजन डे विजन कलर विजन एक्स में होगा। हैव अ स्मॉल फील्ड, क्योंकि कलर विजन सेंटर से ही कैरी होता है तो स्मॉल फील्ड ऑफ विजन होगा रेटिना में, स्पीड 15 की 14 मीटर सेकंड, मैक्सिमम परसेंटेज 55। और डब्ल्यू का फंक्शन है ब्रॉड फील्ड, क्योंकि पूरी पेरिफेरल रेटिना में डब्ल्यू कैरी करेंगे। रोड का विजन नाइट विजन पूरी पेरिफेरी से आता है, पूरी पेरिफेरी में रोड्स होते हैं 140 मिलियन, हमने फर्स्ट लेक्चर में दिखा है। सेंसिटिव फॉरहेड क्या फंक्शन इसका नाइट विजन में, लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन देखो आप क्या फंक्शन है, सेंसिटिव फॉरहेड डिटेक्टिंग डिरेक्शनल मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ विजन, तो डिटेक्शन करता है डिरेक्शनल मूवमेंट। मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ, इससे आपको तीनों समझ में आ जाएंगे। मान लो अभी आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो और सडनली रूम में कोई बर्ड उड़ के आ जाता है, सडनली कोई बर्ड की एंट्री हो गई आपकी रूम में, तो सबसे पहले आपको वाई सेल्स बोलेगा कि एक बर्ड आया है। फिर वाई सेल्स बोलने के बाद वो बर्ड धीरे धीरे उड़ के आपके पास आके बैठता है, तो वो धीरे धीरे उड़ता हुआ आपके पास आया है, तो वो पूरी डिरेक्शन आपने देखी बर्ड की, वो बोला डब्ल्यू सेल्स ने, और वो आपके सामने बैठना है और आपके सामने बैठ चुका है। अब बैठने के बाद आप पहचानते हो कि ये कौन सा बर्ड है, उसके फीदर्स कौन सा है, उसका कलर कैसा है, उसके बाद आपको पिक कर लेते हुए वो कौन सा बर्ड है, तो वो डिटेल भेजता है एक्स सेल्स। तो बर्ड की एंट्री वाई सेल्स ने पिक कर ली, फिर धीरे धीरे बर्ड मूव होता होता हुआ आपके टेबल पे आके बैठा, तो वो बर्ड की मूवमेंट पिक कर ली डब्ल्यू सेल्स ने, और बर्ड कैसा है उसके कलर्स और फीदर्स और उसकी साइज देख के आपने पिक किया एक्स सेल्स ने। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड वाई सेल्स।